पैसा मेरा, चॉइस मेरी, मुझे जिससे सामान खरीदना मैं चाहूंगा कि वहां सुचिता हो भाई, उसे पिसाब से नहीं धो रखा हो। मतलब अगर इंटरनेट नहीं आया होता तो जमीयत उलेमा हिंद जो है वो हलाल सर्टिफिकेशन दे रहा है और वो पैसा जो है टेररिस्टों की एडवोकेसी में काम आ रहा है, ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती? विधानसभाओं में विधायक हिंदू रहे होंगे, सरकारी बाबू जो आईएएस होते हैं उसमें हिंदू रहे होंगे, किसी ने चूं तक करी कि ये वक्फ बोर्ड जो है ये क्या है, ये क्या कानून है? उससे एक चीज बनती है आरक्षण, जिसपे आप लगातार बोलते रहते हैं। आप इसको समस्या की तरह देखते हैं या फिर एक एफर्मेटिव एक्शन की तरह देखते हैं? मैं तो कह रहा हूँ आप 100% आरक्षण दे दो। तो आप मुझे ये बताएं कि 1947 में देश में ज्यादा जातिवाद था या आज 2024 में ज्यादा जातिवाद है? बताया जाता है अभी जैसे राहुल गांधी है तो वो तो मतलब कहते हैं ना कि पूरा ही जैसे खुल के आ चुका है कि मुझे इस देश में गृह युद्ध कराना है। इसके पीछे एक आ जाता है कि आरक्षण हट जाएगा, पहले जाति हटाओ। आपने जिनका नाम लिया बी आर अम्बेडकर, उनके बारे में हमको क्या चीजें पता हैं? संविधान निर्माता थे, सबसे बड़ा झूठ है। हिंदू राष्ट्र मतलब क्या? मुझे तीन ये चीज दे दो, मेरा हिंदू राष्ट्र वही है। एक जो कमी हुई है वो मॉब की हुई है, मतलब 10 साल पहले मुझे लगता है हिंदू ग्राउंड पे ज्यादा मजबूत थे, अभी वो ग्राउंड छूट गया है। नमस्कार, मैं कुमार श्याम, हमारे नए संस्करण में आपका स्वागत है। और आज हमारे जो मेहमान हैं वो काफ़ी ख़ास हैं, अपनी विद्वत्ता के लिए भी जाने जाते हैं, अपनी तल्ख कमेंट्री के लिए भी मशहूर हैं। नाम है कौशलेश राय जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद, और आपने हमें समय दिया, आभार आपका। पहले तो कौशलेश जी, आपको लगातार ट्विटर पर फॉलो करे हैं, यूट्यूब पर, और आपकी कॉमेंट्री पॉडकास्ट आते रहते हैं। हमारे दर्शकों से आपका परिचय होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो एक खास तरह की है, और आप आपका मेहमान होना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बताइए आपकी पृष्ठभूमि क्या है और आप क्या करते हैं? पृष्ठभूमि भाई क्या है, किसान परिवार से हम भी आते हैं। शुरू की पढ़ाई गांव पे हुई, फिर दिल्ली चले आए पढ़ने, यहाँ से कॉलेज की पढ़ाई हुई, मास्टर्स तक हिस्ट्री में पढ़ाई करी, फिर लगा हो गया जो किताबों का पढ़ना था कॉलेज का, बस उसके बाद कुछ कुछ करते रहते हैं, किताबें पढ़ते हैं, लगता है कि ये लोगों को पता होनी चाहिए तो वो बता देते हैं, और द हिंदू कैफ़े है एक, वो चलाते हैं। उसमें बेसिकली जो लोग हैं हिंदू हैं उनको तीन चीज़ें रहें कम से कम, राइट टू लाइफ हो, फ्री मार्केट हो, और राइट टू डिफाइन आवर ट्रेडिशन एंड कल्चर हो। इन तीन आइडियाज़ को प्रमोट करने के लिए वो शुरू किया है। तो पहले कॉलेजों में ही करते थे, फिर हुआ कि भारत तो बहुत बड़ा और दिल्ली से तो बाहरी भारत है भी ज़्यादातर, तो फिर गांव वगैरह में भी जाना शुरू किया, टायर टू टायर थ्री वाली जो होते हैं एरिया। तो बस ये चल रही है यात्रा, पिछले 5-1 साल होने को आए हैं, देखते हैं कहाँ तक चलता है। आपकी लाइब्रेरी काफ़ी खूबसूरत है और मैं तो अचंभित हुआ किताबें देख के। और फिर मैंने अपने भाई से कहा कि जो बोलते हैं वो यहाँ से इन अस्त्रों से ये बोला जा रहा है। लेकिन अभी नई खबर आई यूपी से, जहां पर दुकानदारों को कहा गया कि जब तक कांवड़ यात्रा गुजरती है तब तक आपको दुकानों पर नाम लिख के रखने हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या यह एक अलग तरह की छुआछूत को प्रमोट करने का तरीका नहीं है? क्या लोग, जैसे कि वो लोगों ने आरोप लगाया कि ये सामाजिक वैमनस्य पैदा करने की कोशिश है? जैसे ना एक मतलब जो आपने बोला कि एक तरीके का छुआछूत और बढ़ रहा है, या फिर इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं भाई हम टॉलरेंट हैं, हमको सही सुनो होना चाहिए, तो हम क्यों इतने इनटॉलरेंट हो रहे हैं कि हम लोगों को कह रहे हैं कि भाई आप अपना नाम दिखाएं? तो एक कार्ल पोपर करके बहुत बड़े मतलब विद्वान हुए हैं, तो उन्होंने एक बताया था कि एक पैराडॉक्स ऑफ इनटॉलरेंस होता है कि आप जो टॉलरेंट है उसे तो मतलब स्वीकार कर सकते हैं, अब जब सामने वाला ही इनटॉलरेंस है, मतलब बहुत ज़्यादा इंटॉलरेंट है, वो आपके अस्तित्व को ही नकारता है, और आप सहिष्णु बनने के लिए अगर उसको भी स्वीकार करते हैं तो आप एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। दूसरा है कि जैसे हम लोग छोटे थे तो एक ऐड आता था, जागो ग्राहक जागो, भाई कस्टमर को पता होना चाहिए कि भाई क्या उसके राइट्स हैं क्या हैं। तो भैया मैं किसी दुकान से कुछ सामान ले रहा हूँ तो मुझे पता तो होना चाहिए ना कि वो क्यों है, कौन है। अच्छा, उसका कारण भी क्या है कि बहुत सारी वीडियोस हमने देखी हैं कि भाई थूकते हैं, अभी कई आती हैं वीडियोस वो फल पे पिसाब कर रहे हैं, ऐसी बहुत सारी आई हैं, एक वो खरबूजे का आया था कि वो इंजेक्शन भर भर के मार रहे हैं, तो ये सब करते हैं। तो भाई मुझे पैसा मेरा, चॉइस मेरी,
मुझे जिससे सामान खरीदना, मैं चाहूंगा कि वहां सुचिता हो भाई, उसे पिशाब से नहीं धो रखा हो। अब अगर मैं ये डिमांड कर रहा हूं तो इसे कोई छुआछूत कैसे कह सकता है भाई? अगर आपका नाम मोहम्मद इरशाद है तो आप वहां मोहन क्यों लिख रहे हो? मतलब या तो भाई जैसा होता है ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो जो नाम छुपा रहे हैं वो क्यों छुपा रहे हैं? ऐसा उन्होंने क्या कुकर्म कर दिया है? तो ये तो बिल्कुल सही था, पर मियां लॉर्ड्स तो इस देश में है ही, उन्होंने अभी तो स्टे लगा ही रखा है उस पर, तो ये है। बट ये बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन अभी एक बड़े यूट्यूबर ने टिप्पणी करते हुए कहा कि थूकने का या सामग्री को दूषित करने का क्रम तो ऐसे बहुत से लोग हैं कि हिंदू भी करते हैं। तो मैंने टिप्पणी की भाई तो वो आदेश भी सभी के लिए था, किसी एक के लिए थोड़ी था। खैर, लेकिन इसमें एक बहस और निकल के आई हलाल सर्टिफिकेट को लेकर। ये क्या ये अलग तरीके से आर्थिक बहिष्कार नहीं है विधर्मियों का? जैसे आप इसे ऐसे देखें कि हलाल क्या है? हलाल तो वही है जो मतलब इकोनॉमिक बॉयकट जो है, हलाल में अगर आप देखें तो भाईजानी होगा उसमें इन्वॉल्व। और हलाल जैसे पहले मैं छोटा था तो मुझे मीट की दुकान के बाहर लिखा दिखता था, तो मुझे लगता था किसी का नाम होगा, जैसे भाई जावेद हलाल शॉप लिखा हुआ है। तो जब मैं स्कूल जाता था तो तीन चार मीट की दुकानें पड़ती थी 4-5 किलोमीटर के एरिया में, तो सब पे हलाल। तो मुझे लगता था कि ये कौन बंदा है जिसकी सारे की मतलब सारी दुकानें एक ही जने की हैं। अब अगर आप जैसे इस्लाम को थोड़ा जानेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, तो वो आपको जीने का अधिकार अधिकार उतना देते नहीं है, है ही मतलब उतना क्या देते ही नहीं है। मतलब उनका बहुत क्लियर है कि आप अगर नॉन मुस्लिम है तो आपको जीने का ही अधिकार नहीं है। उन लोगों के भाई चीजें, अब जैसे हलाल को आप देखें तो मेरे ख्याल से कई देशों की GDP से ज्यादा तो उसका कारोबार हो गया है हलाल हलाल का। अब हलाल जब होता है, जैसे कुछ भी किया जाता है, तो कल मैं जमीयत उलेमाए हिंद की वेबसाइट है मेरे ख्याल से, जो हलाल सर्टिफिकेशन अथॉरिटी भी है, तो उसमें लिखा था कि अगर सपोज किसी जानवर को ही हलाल कर रहे हैं तो वो हलाल करने वाला अल्लाह अकबर बोलेगा। अब अल्लाह अकबर मतलब क्या होता है? कि अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट। अब भैया मैं जो हूँ हिंदू हूँ, मैं व्यवसायी हूँ, मानो मैं नमकीन बनाता हूँ, बिस्कुट बनाता हूँ, कुछ भी बनाता हूँ XYZ, क्योंकि हलाल तो जो है वो केवल मीट मांट नहीं, वो तो हलाल लिपस्टिक, हलाल पानी, हलाल मसाले, हलाल बिल्डिंग, मतलब आप जो कल्पना कर सकते हैं वो सब अब हलाल हलाल आने लगा है। तो वहां पे आके कोई बंदा ये कह रहा है कि मेरे वाला ही जो भगवान है वो सबसे सुप्रीम है, ये हेट स्पीच नहीं हो गई? मतलब हलाल के साथ ही आप हेट स्पीच भी प्रमोट कर रहे हो। तो ये इकोनॉमिक बॉयकट चली। और भाई जैसे जो हलाल का पैसा है वो जमीयत उलेमा हिंद है, कई आतंकवादियों के केस लड़ रही है, उसके पास पैसा कहाँ से आता है? जो वो हलाल सर्टिफिकेशन के लिए फीस लेती है उसी पैसे से तो लड़ रही है। 26/11 का जो हमला हुआ था उसमें जो रिचर्ड हेडली और एक और ये जो पकड़े गए थे, उसमें एक बंदा अमेरिका में हलाल स्लॉटर हाउस चलाता था, ठीक, तो वहां का पैसा भी लगा टेररिज्म में। तो भाई ये तो भाईजान ने हिंदुओं का इकोनॉमिक बॉयकट कर रखा था। और दिक्कत क्या है कि हिंदू मतलब अभी तक तो मुझे जगह पे दिखे नहीं है, खूब ज्यादा होता है आक्रोशित होते हैं, ट्विटर पे हैशटैग चला लेते हैं, दो दिन बाद सारे भूल जाते हैं। तो ये है हलाल का तो जो हमें दिख रहा है। तो आपको हिंदू समाज में क्या कमी लगती है जो इस मामले में बिल्कुल पस्त है? मान लो वो बॉयकॉट भी कर सकते हैं, हम अगर नाम की गुजारिश कर दें तो भी सांप्रदायिक हो गए, वो हलाल का सर्टिफिकेट दुनिया भर में बांट रहे हैं, अब तो क्या लिपस्टिक तक पे लगा रहे हैं, सब कुछ। मैं कहता रहा हूँ आप मतलब जो भी आप प्रोडक्ट सोच सकते हैं वो सब हलाल भी आने लगे, और नहीं आ रहे हैं तो कल को आने लगेंगे। मतलब जैसे हलाल का बेसिक क्या है कि वो एक तो काफिर का इकोनॉमिक बॉयकट हो गया, और जब तक उस स्थिति में नहीं है कि पूरा इकोनॉमिक बॉयकट कर सके तो एक्सटॉर्शन मनी है वो, कि भाई हम तुमसे, भाई भारत देश में सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है ना FSSI जो होती है, तो उस जब उसने सर्टिफिकेट दे दिया तो फिर ये हलाल कैसे सर्टिफिकेशन दे रहा है? और आप सोचें कि ये इस देश में चल रहा था, और जो आपने बोला कि जैसे हिंदुओं में क्या समस्या से दिखती है, तो उसमें मैं भी इंक्लूड हूं। समस्या ये है कि जैसे जब मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा तो मुझे ये लगा कि जैसे गांव से हम लोग आए हैं, तो पहले हमारे गांव में जैसे जो बच्चा पढ़ने में ठीक ठाक होता था वो बाहर चला जाता था पढ़ने, तो गांव वालों को एक आस होती थी कि हमारे गांव का लड़का है भाई दिल्ली गया है, बंबई गया है, बेंगलोर गया है, जहां भी गया है तो कुछ अच्छा होगा गांव के लिए, तो वो आके बताएगा।
हुआ क्या कि जो गांव से लड़के आए शहरों में वो 2BHK फ्लैट में सेट हो गए, फिर वो गांव कभी मुड़ के गए ही नहीं। शुरू में गर्मी की छुट्टियों तक जाते रहे, फिर वो गर्मी की छुट्टियां 2 महीने से 40 दिन की हुई, फिर वो 40 दिन से फिर उसमें उनका स्विमिंग वाला चलने लगा, कुछ मार्शल आर्ट सीखने लगे, जो भी ये सब थी एक्टिंग, तो वो गांव गए नहीं। और मैंने देखा कि लगभग 6-6.5 लाख से ज्यादा गांव है इस देश में, हमारे गांव को हमारे शासक वर्ग ने कभी सत्य बताया ही नहीं। मतलब अगर इंटरनेट नहीं आया होता तो जमीयत उलेमा हिंद जो है वो हलाल सर्टिफिकेशन दे रहा है और वो पैसा जो है टेररिस्टों की एडवोकेसी में काम आ रहा है, ये जानकारी हमें कहां से मिलती? भाई आज तो वीडियो है, भाई वीडियो बनेगी, ये गांव तक जाएगी, गांव के लोग देख लेंगे। अगर इंटरनेट नहीं होता तो लोगों के पास क्या माध्यम था? या हलाल जो है वो अब से तो चल नहीं रहा है, हलाल सर्टिफिकेशन बहुत समय से चल रहा है, या जैसे वो टेंपल्स वर्शिप एक्ट वाला जो चल रहा है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है जो, या वक्फ बोर्ड का जो कानून है, ये 1991 में मेरे ख्याल से पास हुआ था वक्फ बोर्ड वाला। आप सोचें देश की संसद में 95% से 95% से अधिक सांसद हिंदू रहे होंगे, विधानसभाओं में विधायक हिंदू रहे होंगे, सरकारी बाबू जो IAS होते हैं उसमें हिंदू रहे होंगे, किसी ने चू तक करी कि ये वक्फ बोर्ड जो है ये क्या है, ये क्या कानून है? तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत के गांवों को पिछले 75 सालों में सच बताया ही नहीं गया। और एक समस्या ये हो गई कि 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए, ये झूठ हमें बता दिया गया। उससे पहले आपके गांव के, मेरे गांव के लोगों को पता था कि जो हम पे शासन कर रहे हैं वो हमारे शत्रु हैं। आप कभी भी देखें, मतलब ये कितना भी कह लें कि हमने 800 साल हुकूमत करी है, ये करी है, भाई भारत के गांव सदैव स्वतंत्र ही थे। अंग्रेजों का भी देखें तो जो कैंट बने हुए हैं वो शहरों में ही बने हुए हैं, आपको किसी गांव में कैंट बना हुआ नहीं दिखेगा। और जो ये मुसलमानों का भी शासन था ये शहरों तक ही सीमित था, तो गांव वालों के फंडे क्लियर थे। 1947 में उनको ये लगा कि अब तो हम आजाद हो गए हैं, तो उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र सब रख दिए, और उसका नतीजा ये हुआ कि पिछले 800 सालों में हमने जितना नहीं खोया था उतना पिछले 75-80 सालों में खो दिया है। तो सच नहीं बताया गया है लोगों को, वो एक सबसे बड़ा कारण है। और अब बताया भी जा रहा है तो उसको इतना विलिफाई हो रहा है, जैसे आपने जिस बड़े यूट्यूबर का बताया, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो आपको मतलब लेबल्स दे देंगे, इस्लामोफोब है, हेट मुंगर है, नफरत फैलाता है, और फिर बहुत सारे लोग जो होते हैं वो डर जाते हैं इन लेबल्स से, तो इसलिए भी नहीं बोलते। तो ये सब कारण है जो मुझे लगते हैं। हिंदू समाज में ये एक समस्या तो है ही जागृति की, तो एक जातिवाद की भी समस्या की तरह अगर हम उसे बात करेंगे हम आगे जाके, उससे एक चीज बनती है आरक्षण, जिसपे आप लगातार बोलते रहते हैं। आप इसको समस्या की तरह देखते हैं या फिर एक एफर्मेटिव एक्शन की तरह देखते हैं? मैं तो जैसे ना, आरक्षण मेरे लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, अभी 49% है आरक्षण, जैसे अगर ऐसा देखा जाए केंद्र में, कई राज्यों में 60% तक मेरे ख्याल से इसकी जो लिमिट है वो आ चुकी है। मैं तो कह रहा हूँ आप 100% आरक्षण दे दो, ठीक, उसके बाद तो कोई डिबेट नहीं बचती। मतलब 100% आरक्षण दे दिया गया फिर तो सब खुश हो जाएंगे। भाई आरक्षण का पर्पस था क्या? भाई आरक्षण किस लिए था? नौकरी देने के लिए था, या लोग सब मतलब समान रूप से जिए, आपस में भेदभाव ना करें, इसके लिए था? पहले तो ये तय हो ना, क्योंकि अगर वो नौकरी देने के लिए था तो भाई 100% ले लो, कोई समस्या नहीं है, आप 100% आरक्षण लो और भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको खोल दो, उसे फ्री मार्केट कर दो, सोशलिज्म हटा दो, मैं तैयार हूं, मैं आपके साथ मुहिम उठाने को तैयार हूं। अगर वो ये था कि अस्पृश्यता, असमानता, ये सब जो भेदभाव होता है ये ना हो, तो आप मुझे ये बताएं कि 1947 में देश में ज्यादा जातिवाद था या आज 2024 में ज्यादा जातिवाद है? क्योंकि जब आरक्षण दिया गया था तो कहा गया था कि 10-15 साल के लिए टेम्पररी प्रोविजन है, उसके बाद सब लोग जो है वो घुल मिल जाएंगे, फिर हमको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, रिडंडेंट हो जाएगा। पर भाई आप, अच्छा जब ये दिया भी गया था तो एक सोच ये थी कि हम भारत में एक जाति विहीन, जाति मुक्त समाज बना लेंगे। पर मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि 1947 में भारत के गांव जितने जातिवादी थे उससे ज्यादा जातिवादी आज हैं। आपको इस पर क्या लगता है? मैं सच्ची बात है, क्योंकि इससे विभेद गहरा ही हुआ लगता है। भाई आप दिल्ली यूनिवर्सिटी चले जाइए, बताते हैं कि यहाँ सब 100% वालों का एडमिशन होता है, तो खूब पढ़े लिखे लोग आते हैं, हर साल चुनाव होता है, आप देखें मतलब चुनाव में जितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, जो बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस और ABVP, मतलब NSUI और ABVP, तो इनका भी फिक्स है कि हम एक जना एक जाति को देगा, एक जना दूसरी जाति को टिकट देगा। तो पिछले 70-75 सालों में यदि जातिवाद और बढ़ा है,
और आरक्षण तो कंटिन्यूअस ही रहा है, तो हमें फिर सोचना पड़ेगा कि जो हम उस बीमारी की दवाई जिसे मान के चल रहे थे वो दवाई काम कर नहीं रही है। पर फिर जैसे क्या होता है कि जब नारो और हिस्टीरिया से ही देश चले, नैरेटिव सेट हो, तो समझदारी भरी बातों का कुछ अर्थ रहता नहीं है। जैसे आप कुछ भी बोलो, लोग कुछ भी उस बात का बतंगड़ बना देंगे। तो ये है। और दूसरा फिर जैसे ये आता है ना कि जैसे जाति बताया जाता है, अभी जैसे राहुल गांधी है तो वो तो मतलब कहते हैं ना कि पूरा ही जैसे खुल के आ चुका है कि मुझे इस देश में गृह युद्ध कराना है। पहले इन्होंने कास्ट सेंसस बोला, अभी उसने कल मेरे ख्याल से संसद में बोला है कि वो जो निर्मला सीतारमण जो बजट का हलवा बना रही थी उसमें किस जाति के लोग थे। आप मतलब जाति के हिसाब से ही हर चीज देखेंगे क्या, मतलब हर एंगल को देखेंगे? और फिर मतलब मैं गलती राहुल गांधी की भी कमी देता हूं, मैं गलती उनकी ज्यादा देता हूं जिनका काम सच बोलना था, लोगों तक जागरूकता फैलानी थी। भाई अगर जो भी बच्चा अभी की डिबेट्स देखे या किताबें पढ़े तो उसको लगता है कि भारत में सबसे बड़ा जो बुराई थी वो जाति थी। ठीक, यही है, दूसरा तो पक्ष हमको सुनने में नहीं आता है। भाई अगर मैं कहूं कि ऐसा नहीं था तो मानेंगे ही नहीं, कहेंगे ये तो जातिवादी है, फिर मेरी जाति खोजने लगेंगे कि ये जो बोल रहा है इसकी खुद की जाति ढूंढ के लाओ। तो ये समस्याएं हैं। लेकिन इसके पीछे एक आ जाता है कि आरक्षण तो हट जाएगा, पहले जाति हटाओ। तो आपकी राय में जाति का प्रभाव कितना है, क्या इस तर्क में दम है? भाई तो मैं तो पहले ही पूछ, आप भाई जाति हटाना क्यों चाहते हैं? जैसे पहले तो ये है, पहले तो ये बताएं कि जाति हटानी क्यों है। तो कहेंगे जी जाति से छुआछूत होता है, अस्पृश्यता होती है। तो अंग्रेजों ने एक काम बहुत अच्छा किया था, मतलब आपको देखना इस पे भी हमको गाली पड़ सकती है कि अंग्रेजों की बड़ाई कर रहे हैं। अंग्रेजों ने भारत का बहुत विस्तृत सर्वे किया था, मतलब जब वो आए थे तो जो ओरिएंटलिस्ट और जो दूसरे वाला पक्ष था इनके बीच में डिबेट चलती थी कि भारत में शासन कैसे करना है। कुछ पक्ष का कहना था कि जो भारत की परंपराएं हैं, जो चीजें हैं, उसी के हिसाब से हम चलाते हैं। कुछ का कहना था हमें इन पे अपने वाला थोपना पड़ेगा। तो अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, इसके लिए बहुत सारे सर्वे कराए। एक मैकॉले का नाम आता ही है, वो सब घिसा पिटा उसका 2 सितंबर 1835 वाला, वो कोट करते हैं कि क्लर्क पैदा होंगे, ये पैदा होंगे। 1854 में वुड्स डिस्पैच आया था, जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का, वो उसी के बाद शुरू होता है। तो उसने मतलब 1854 से पहले भारत का सर्वे कराया कि अभी यहाँ एजुकेशन चलती कैसे है। तो मद्रास, बंगाल, उसमें बिहार भी जुड़ता था, इन प्रेसिडेंसीज का वो चला, सर्वे हुआ। 1835 का सर्वे है, करने वाले का नाम विलियम एडम है, और वो बताता है कि भाई बिहार और बंगाल जब एक थे तो वहां 1 लाख के करीब स्कूल थे, है ना। अभी वो जो यूपीएससी वाला है, वो क्या नाम, जो कहता आपका कैजुअल है बड़ा तरीका, उसने भी बोला कि 1 लाख स्कूल, हाँ कि 1 लाख स्कूल नहीं हो सकते। उस पर मैं बनाऊंगा एक सेपरेट वीडियो। तो 1 लाख करीब स्कूल थे, उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि बिहार के एक जिले में 6 शिक्षक जो थे वो चांडाल जाति के थे 1835 में। अब चांडाल जाति का बंदा शिक्षक, मतलब ये तो पूरी डिबेट ही मतलब ध्वस्त कर रहा है ना। फिर जैसे कहते हैं कि भाई पिछड़ों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, तो मद्रास प्रेसिडेंसी, उधर के जो स्कूलों का डाटा है जो भी है उस टाइम का, उसमें 70% से ज्यादा जो बच्चे हैं वो एससी, सो कॉल्ड एसटी और ओबीसी समाज के। ये 1835 तक है, जब सो कॉल्ड ब्राह्मणवादी शिक्षा व्यवस्था थी। उसके बाद अंग्रेजों ने 1854 के बाद अपने हाथ में ली है, और जो हमें बंटाधार देखते हैं। और एक और जैसे इसमें पक्ष ये है श्याम भाई कि जातियां अगर इतनी बुरी थी और इतना ही शोषण होता था, तो 800 साल जैसे जो ये गया, जो इस्लामिक इन्वेजन हमने झेला, फिर 150-200 साल के करीब अंग्रेजों का भी जो रहा, तो भाई लोग इस ब्राह्मणवादी जो सोच थी, जो व्यवस्था थी, उसको क्यों सह रहे थे? भाई मेजोरिटी ऑफ भारत जो है वो कन्वर्ट क्यों नहीं हो गया? भाई अगर मानो आपको सता रहा है कोई, और जो अभी शासन कर रहा है वो कह रहा है तुम कन्वर्ट हो जाओ तो तुमको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, फिर भी हमारे पुरखों ने, जिसमें ये सारी जातियों के हैं, उन्होंने जजिया तक देना स्वीकार करा, जौहर किए, मतलब मृत्यु को प्राप्त कर लिया, बट कन्वर्ट नहीं हुए। भाई जितने कन्वर्जन हुए वो तलवार की धार पे हुए हैं, उसका प्रूफ भी है। और जो ये मैंने डाटा आपको बताया, एक धर्मपाल जी करके हुए, मतलब ये भी दुर्भाग्य ही है कि उनका नाम बताने के लिए पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है। उनकी किताबें पढ़िए आप, द ब्यूटीफुल ट्री किताब है,
आप उसे पढ़ें आपको लगेगा कि यार क्या मतलब झूठ में जी रहे हैं हम लोग। और फिर मेरे एक भाई हैं वो पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी हैं जेएनयू से, तो उनका तो ये तक मानना है कि भाई जो कास्ट्स हैं वो भारत की सिविल सोसाइटीज हैं, और जैसे भाई जाति आपने खत्म की जैसे 1947 से जब चला कि हम नहीं मानेंगे ये करेंगे, तो अभी जो थोड़ी देर पहले हमने हलाल वाली बात करी, आप देखें कि जो पेशेगत मतलब पेशा था मतलब कि जो लोग करते थे, नाई का काम, बढ़ई का काम, मीट का काम, घर बनाने का काम, कोई सा भी काम जो भी हाथ का काम था, आज की डेट में वो सबसे ज्यादा किसके पास है? भाईजान के पास है। उनके बच्चे क्या कर रहे हैं? जिनका था उनके बच्चे आज यूपीएससी की कोचिंग लेने आ रहे हैं, वो लाइब्रेरी में मर जा रहे हैं, पानी भर जा रहा है तो, या जब नहीं हो रहा है तो 10,000 रुपए की कहीं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। तो आपसे मतलब ये जाति को विलिफाई करके क्या क्या छीन लिया, आपका रोजगार गया, कमाई गई, जो गांव का आप शादी होती थी गांव में, जितनी जातियां उस गांव में रहती हैं हर जाति का कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट रहता है उस शादी में, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप बताएं। तो अगर इतना ही भेदभाव था तो भाई शादी में क्यों सबका इन्वॉल्वमेंट रखते, वो जो सूप होता है ना या जो टोकरी होती है वो मतलब यूपी बिहार में जो समाज बुनता है उसे डोम जाति कहते हैं, वो सुअर पालन करते हैं। आज के इस संविधान के हिसाब से या जाति विज्ञानियों के हिसाब से तो वो मतलब दलितों में भी महादलितों से भी नीचे आ जाएंगे, बट जैसे छठ पूजा होती है तो सारे सूप वही बनाते हैं, और मतलब पता नहीं कब से ये परंपरा चल रही है। तो भाई उसके हाथ के बने हुए सूप से ये हो रहा है, कहां है डिस्क्रिमिनेशन उसमें? अब इसमें जो मैंने आपको बताया 1854 तक का जो ये था, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उस मतलब सब कुछ इतना अच्छा ही था, भाई जाति के नाम पे हमने पिछले 60-70 सालों में देखी है चीजें इस देश में, मतलब देखी नहीं, हमारी उम्र कम है तो हमने सुनी है, वो गलत है, उसे कोई भी जस्टिफाई कर नहीं सकता, बट हमको कम से कम पहले एक जगह बैठ के ये सच स्वीकारना तो होगा ना कि देख भाई ये था, ये ऐसे हुआ, अब जो भी गलतियां रही हम उसे खत्म करें, और फिर हम एक अपना कायदे से जिए जिसमें यही है कि जन्म के आधार पर हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक, वो किसी किताब में लिखा है नहीं, हमें मतलब ही नहीं है, हम नहीं करेंगे, बाकी सब स्वतंत्र हैं, ये तो हमें करना पड़ेगा। इस दिशा में भी प्रयास नहीं होता क्योंकि सारे उस फॉल्ट लाइन को बढ़ाने में ही लगे रहते हैं, और एक झूठ जो बार बार एट्रोसिटी लिटरेचर में होता ही है कि शोषण हुआ है, तो वो यार चार पीढ़ी किसी को पांच पीढ़ी पढ़ा दोगे शोषण हुआ है तो वो विशियसनेस तो अपने आप आ जाएगी ना उसके अंदर, तो ये है। लेकिन इस पूरी बहस में एक व्यक्ति का बहुत बड़ा हाथ कह सकते हैं, या फिर इस बहस को रेखांकित करने वाले व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रहे हैं, यानी उन्होंने दलित विमर्श को भारत में नए सिरे से परिभाषित किया, उनसे पहले भी किया होगा, लेकिन अब हर पार्टी उनको नकार नहीं सकती है, पोस्टर के रूप में उनको साथ रखती है, आपकी उन पर क्या राय है? जैसे आपने जिनका नाम लिया बी आर अम्बेडकर, उनके बारे में हमको क्या चीजें पता है? संविधान निर्माता थे, सबसे बड़ा झूठ है। इस देश का जो संविधान था उसको बनाने में अगर सबसे बड़ा रोल किसी का था तो वो बी एन राव का था, और ये बात अम्बेडकर खुद भी एक्सेप्ट करते हैं। अभी सारी डिबेट जो है वो संविधान के इर्द गिर्द घूम रही है, पूरा लोकसभा का चुनाव इस बात पे हो गया कि संविधान बदल देगी भाजपा या संविधान हटा देगी, ये कर देगी। 1953-54 का मेरे ख्याल से, 53 का ही होगा मेरे ख्याल से, डॉक्टर अम्बेडकर का खुद का बयान है ऑन रिकॉर्ड कि अगर मुझे मौका मिलता है तो इस संविधान को जलाने वाला सबसे पहला व्यक्ति मैं हूंगा। आज हम जो अंबेडकर का स्वरूप देखते हैं वो अंबेडकर का स्वरूप सदैव से ऐसा नहीं था। मैं इस पर थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं। इस देश में पिछड़ी जातियों के उनसे भी बड़े नेता रहे, जैसे बाबू जगजीवन राम, वो 1947 से पहले से भी जो चुनाव हुए हैं तब से चुनाव लड़ रहे थे, और अपना अंतिम चुनाव तक जब तक लड़े जीते। अंबेडकर कभी कोई चुनाव नहीं जीते, तो अगर आप चुनाव को एक मानते हैं ना पॉपुलैरिटी नापने का तरीका, तो अंबेडकर से तो बहुत ज्यादा पॉपुलर थे, और वो भी मतलब सो कॉल्ड निचली जाति से आते थे बाबू जगजीवन राम। एक एमसी राजा थे, दलितों के उत्थान के लिए उन्होंने बहुत किया,
इवन सावरकर जी, स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने गालियां दी जाती हैं, अगर आप उनका जो अंग्रेजों वाला स्ट्रगल वाला तो एक ही हिस्सा, उसके अलावा जब वो सामाजिक कार्यों में आए तो उन्होंने जितना इन जातियों के उत्थान के लिए काम किया वो अम्बेडकर से कहीं कम नहीं था। फिर आप कहेंगे कि अम्बेडकर इतने पॉपुलर कैसे हो गए, तो बाबू जगजीवन राम का एक केस था, उनका बेटा था, वो डीयू में सत्यवती कॉलेज में पढ़ाता था और उसकी एक गर्लफ्रेंड थी चौधरी, राज नारायण किसी के इशारे पे काम कर रहे थे, उनके दो हेंचमैन, वो दोनों अभी जिंदा हैं और दोनों ही नेता हैं, उन्होंने जगजीवन राम के बेटे की उसकी गर्लफ्रेंड के साथ अंतरंग तस्वीरें खींची, वो तस्वीरें मेनका गांधी जो संजय गांधी की वाइफ हैं, वो एक मैगजीन चलाती थी सूर्या मैगजीन, उसके मतलब साथ में चलाने वालों में खुशवंत सिंह का नाम होता था, उन तक ये फोटोज पहुंची। जगजीवन राम गिड़गिड़ाए कि आप लोग ये फोटो ना छापें, आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूं, पर ये नहीं माने और इन्होंने उनके बेटे की ये सब तस्वीरें छाप दी। और ऐसा कहा जाता है कि बाबू जगजीवन राम उस सदमे को नहीं झेल पाए और फिर कुछ समय बाद उनकी मृत्यु भी हो गई। तो एक तरीके से ये एक कैरेक्टर एसोसिएशन के थ्रू बाबू जगजीवन राम को गिराया जाता है और उसी दौरान काशीराम का उदय होता है और काशीराम एक किताब लिखते हैं। उस किताब का जीस्ट ऐसा है कि जो भी पिछड़ी जाति का नेता या व्यक्ति यदि ब्राह्मणों को गाली नहीं दे रहा है तो वो सब दलाल हैं, ठीक। और उसी टाइम पे आप देखें तो उत्तर प्रदेश में बसपा का उदय होता है, काशीराम पंजाब में कुछ नहीं कर पाते हैं तो फिर वो यूपी आ जाते हैं। और फिर जो आज हम गांव गांव में अंबेडकर की वो उंगली दिखाते हुए वाली फोटो है वो हम लगी हुई देखते हैं। और ये जब 1990 के दशक में ही हो रहा है, अब ये जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ मुझे नहीं पता, बट ये चीजें पैरेलल चल रही हैं। एफ्रो दलित प्रोजेक्ट है जिसका पूरा पर्पस ये है कि जो भारत की पिछड़ी जातियां हैं वो अमरीका के काले हैं और जो यहाँ की मतलब सो कॉल्ड अगड़ी जातियां हैं वो अमरीका के वाइट्स जैसे हैं, जैसे ब्लैक्स वर्सेस वाइट चलता है, तो इधर भी ऐसी एक एनालॉजी ड्रॉ करने का प्रयास होता है। उधर ब्लैक पैंथर बनता है, इधर दलित पैंथर 60s-70s में चलता है और उसी समय एट्रोसिटी लिटरेचर का लिखा जाना शुरू होता है कि ये शोषण हुआ वो शोषण हुआ, मतलब ये सारा जो भी है और ये सब चीजें जोड़ जाड़ के आती हैं यहां तक। अंबेडकर इकोनॉमिस्ट थे, दुर्भाग्य है कि उनके उस वाले पक्ष पे कोई बात ही नहीं करता क्योंकि उस पे ना वोट मिलेंगे ना उस पे माइलेज मिलेगा, उनको एक जाति तक का ही नेता करके सीमित कर दिया गया है। तो मैं बहुत ज्यादा मतलब कुछ ऐसा उनको बुरा भी नहीं मानता, बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं मानता। आप उनकी जो किताबें हैं अगर पढ़ें जो उन्होंने लिखी हैं, तो जैसे उन्होंने पार्टीशन थॉट्स ऑन पाकिस्तान करके एक बुक है, वो पहले पैम्फलेट था फिर बुक छपी, उसे पढ़ा है तो उसमें उन्होंने कुछ लिखा है उसके बारे में, लेफ्ट और ये जो सारे अम्बेडकराइट्स हैं बात नहीं करते क्योंकि उसमें उन्होंने भाईजान को पेल दिया है। फिर उन्होंने एनाइलेशन ऑफ कास्ट लिखी है, वहां उन्होंने हिंदुइज्म को पेल दिया है तो इसलिए जो आजकल राइट विंग भी उनको लेके गोदी गोदी घूम रहा है वो उसकी बात नहीं करता है। तो अंबेडकर अब एक तरीके से टूल हो गए हैं जिसका यूज लेफ्ट सोचता है हम कर लेंगे, राइट सोचता है हम कर लेंगे, और कायदे से दोनों को पता ही नहीं है कि वो किस मतलब क्या कहते हैं उसको, वो एक ऐसी चीज में हाथ डाल रहे हैं जो वो फिर उनके कंट्रोल से बाहर चली जाएगी। तो ये है हिंदू राष्ट्र को लेकर काफी बहस है और इन 10 सालों में तो इसको नई सिरे से भी डिस्कस किया गया है, आपकी इस विषय पर क्या राय, हिंदू राष्ट्र मतलब क्या? मैं तो देखो भाई ना, मैं हिंदू राष्ट्र अखंड भारत मैं इसमें ना मानता ना मैं जानता ना मुझे चाहिए उतना। मैं तो बस इतना ही चाह रहा हूँ कि भाई मुझे जिंदा रहने का अधिकार दे दो। अगर मुझे जिंदा रहने का अधिकार दे दिया है तो फिर मुझे कमाने खाने का अधिकार दे दो, मुझे उसके लिए किसी सरकारी बाबू के पास लाइसेंस लेने ना जाना पड़े। और तीसरा, मेरे त्यौहार मेरी परंपराएं मैं कैसे मनाऊंगा वो अधिकार मेरे पास होना चाहिए, कोई जज साहब मुझे ना बताएं। मुझे तीन ये चीज दे दो, मेरा हिंदू राष्ट्र वही है। क्योंकि हिंदू राष्ट्र जो मांग रहे हैं, मतलब पहले मैं भी सोचता था कि हिंदू राष्ट्र वगैरह ऐसा हो, बट कैसे होगा, मतलब जैसे घोषणा हो जाएगी कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, फिर जैसे घोषणा हो गई तो फिर उस किताब का क्या होगा जो काफिरों को जिंदा रहने का अधिकार नहीं देती, वो अलाउड रहेगी? तो फिर अगर वो अलाउड रहेगी तो हिंदू राष्ट्र किस बात का हुआ? तो ये सब नारेबाजी टाइप की है कि लोगों को मतलब उलझा के रखो, कभी भी वो मेन चीज पे बात ना कर पाए। तो वह तो मैं बहुत ज्यादा मतलब अब होपफुल या इंथुसियास्टिक होता है ना कि हिंदू राष्ट्र, मैं नहीं मानता।
मगर नॉर्मल हमें दे दो, हम उसी में खुश हैं। आपके पीछे वीर सावरकर की प्रतिमा है और उन्होंने हिंदुत्व की अवधारणा को समाज के बीच में लोकप्रिय किया एक तरीके से, और कुछ लोग कहते हैं कि सावरकर का हिंदुत्व और जो बुनियादी हिंदुत्व है उसमें फर्क है। आप इसको कैसे देखते हैं, क्या बहस है ये? अगर मैं तो कह रहा हूँ कि जैसे इस देश में सदैव बहस ही तो गलत हुई है ना, मतलब जो मुद्दे ही उछाले गए हैं, जैसे सावरकर के हिंदुत्व और उस हिंदुत्व में अंतर है, वो बोल देंगे सावरकर वाला जो हिंदुत्व है वो एग्रेसिव हिंदुत्व है, हमारा सॉफ्ट वाला है, या जैसे डिबेट छेड़ेंगे तो गांधी गोडसे की छेड़ देंगे। अरे भाई, गांधी हमारे थे, गोडसे हमारे थे, भाई वो सही है गलत है वो तो हमारा समाज तय करेगा। जो ये सो कॉल्ड जो हमको उलझाते हैं इन डिबेट्स में, उनसे तो बात होगी तो जिन्ना की बात होगी, उनसे तो उस विचारधारा की बात होगी जिसके कारण इस देश का विभाजन हुआ। कई सारे कह देते हैं सावरकर ने टू नेशन थ्योरी दी थी, है ना, इनको विलीफाई करने के लिए। भाई टू नेशन थ्योरी 1400 साल पहले आई एक किताब में थी, उसके बाद अगर ऐसे बताना हो, मतलब एक तो क्या है कि जैसे लोगों को ना सच बोल दो एक लाइन का ही होता है तो वो यार ये तो मजा ही नहीं आ रहा, उनको थोड़ा एक्टिंग बाजी करके बताना पड़ता है। तो वैसे बताओ तो सैयद अहमद खान थे जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर भी थे, जिनको सर सैयद अहमद खान कहा जाता है। उन्होंने सावरकर जब मेरे ख्याल से 3 या 4 साल के रहे थे, तब मेरठ में और लखनऊ में भाषणों में बोला है कि हिंदू मुस्लिम दो अलग राष्ट्र हैं, एक साथ नहीं रह सकते। तो ये, और फिर मैं कह रहा हूँ कि जैसे हिंदुत्व पे डिस्कशन, हिंदुइज्म पे डिस्कशन तो हम तब तय करेंगे ना जब हम जिंदा रहेंगे। अभी तो मैं कहता हूं कि सारी डिबेटें बंद करके हमें सिर्फ इस डिबेट पे फोकस करना चाहिए कि भाई हिंदुओं को जिंदा रहने का अधिकार है कि नहीं है, अगर है तो आप इस देश में ऐसी किताबों को कैसे अलाउड कर सकते हो जो उनको जीने का अधिकार नहीं देती। मतलब पर भैया फिर इसमें एक्टिंग नहीं होगी, उसमें मजा नहीं आएगा, तो लोग बाग उलझते रहते हैं इसमें, तो ऐसा है। लेकिन पिछले सालों में ये जो टकराव है, सांस्कृतिक टकराव जिसको कहा जाता है, ये थोड़ा तल्ख हुआ है, इसलिए भी हुआ, हो सकता है कि बहुसंख्यक आबादी को एक राजनीतिक स्वर मिला, इसलिए भी हो सकता है इस उभार का कारण। इसकी जड़ें आप विभाजन में देखते हैं या फिर विभाजन से पहले ही देखते हैं, या फिर विभाजन जो कि सही तरीके से नहीं हुआ उसमें देखते हैं? एक ना जैसे होता है सबकॉन्शियस चीज होती है जो हमारे मतलब मस्तिष्क में वो रहती है। जैसे आपकी दादी मेरी दादी, उनको पता भी नहीं होगा YouTube नाम की कोई चीज है या इंटरनेट विंटरनेट क्या होता है, बट अगर आप देखें तो उनके सबकॉन्सियस में कुछ चीजें फिट हैं। जैसे मलेच है, मलेच वर्ड जो है मैंने देखा है कि मतलब कम से कम महाराष्ट्र तक तो जो मैं गया हूं तो मलेच वर्ड उसका कुछ अलग मतलब स्वरूप ऐसे अपभ्रंश हो सकता है, बट वो बोलते हैं, उनके दिमाग में है फंडे कि ये इनको अलाउड नहीं करना है, एंट्री नहीं देनी है। अभी पिछले 10 सालों में क्या हो गया है कि जैसे जो आम हिंदू था उसके था, मतलब उसको थोड़ा बहुत कहीं दिखता था कि यार ये गलत हो रहा, बट वो कहां बोले, वेंट आउट कहां करे, अपनी पीड़ा कहां बताए, क्योंकि जितने भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थे उस पर वामपंथियों का कब्जा था। मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते कि भाई गोडसे का पक्ष रखते हुए आप इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल छाप दें, आज भी नहीं छाप सकते, मतलब तो 10 साल पहले तो आप छोड़ दें। आपको अगर ये देखना है कि इनका कैसे इन्होंने हम हिंदुओं को ट्रीट किया, तो राम मंदिर मूवमेंट के टाइम अंग्रेजी अखबारों में जो कवरेज हुई है आप उसे देखें, मतलब बाबरी एक्शन कमेटी क्या अपना पक्ष रखेगी, उससे ज्यादा तो अंग्रेजी अखबारों में उनका पक्ष रखने वाले थे जो सो कॉल्ड इंटेलिजेंसिया है। तो अभी पिछले 10 सालों में बस यही हो गया है कि जो अच्छा, ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे हमारे लिए लिखने वाले लोग सीताराम गोयल, राम स्वरूप, अरुण सौरी, बहुत बड़ी मतलब ये वो लोग थे जिनके पैरों की हम धूल भी नहीं है। मतलब और जैसे अगर कोई कहे तो जीवन के तमाम सपनों में एक ये है कि इन लोगों ने जो किया हम मात्र उस चीज को भारत के गांव तक पहुंचा दें तो हम ये मान लेंगे हमारा जीवन सफल हो गया। ये लोग थे, बट आप सोचें सीताराम गोयल जो लिखते थे वो कहीं छपता नहीं था, फिर मजबूरी में इन लोगों को 80 के दशक में अपना वॉइस ऑफ इंडिया पब्लिकेशन शुरू करना पड़ा है। अरुण सौरी ने एक आर्टिकल लिखा था हाइडअवे कम्युनलिज्म जब वो टाइम्स ऑफ इंडिया में हुआ करते थे, तो सीताराम गोयल उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि ये आर्टिकल आपने लिखा, उन्होंने कहा हाँ, तो सीताराम जी ने बोला कि भाई मैं इस पे आपको और भी लिख के दे सकता हूँ, तो वह ठीक है आप दीजिए मैं छापूंगा। तो सीताराम जी ने कुछ आर्टिकल की सीरीज छाप मतलब उनको भेजी, बट वो छपी नहीं।
तो उन्होंने पूछा तो अरुण शौरी ने बताया कि मेरी टेबल पे काम आना बंद हो गया है। ये बॉयकट था मतलब कि, और सीताराम गोयल मतलब जितने भी चार लटन है, इरफान हबीब, रोमिला थापर, आर एस शर्मा, जितने भी मतलब ये नाम आप ले लें, हरबंश मुखिया, आदित्य मुखर्जी, इन सब की इतनी भी क्षमता या मतलब ये इनका इतना भी कैलिबर नहीं है मेरे हिसाब से कि सीताराम गोयल के सामने ये बैठ पाए। पर इन्होंने हिस्ट्री की डिबेट्स को चलाया है तो ये लोग करके गए। पीछे कुछ नहीं तो अपना पब्लिकेशन हाउस खोला, किताब दसी बिक्री है, बट इन लोगों ने लिखा तभी तो ये पीछे किताबें रखी हैं इनकी। अब तो हमको ये करना है, जैसे पिछले 10 साल में हुआ है काफी काम, कि कम से कम लोग बाग सीताराम गोयल का नाम सुने हैं, मतलब पढ़ा नहीं हो बट सुन चुके हैं। अब हमें ये करना है कि सीताराम गोयल की किताबें पढ़वानी है। जैसे रॉबर्ट स्पेंसर है, अमेरिका में रहता है बंदा, बिल वॉर्नर है विदेश में ही रहता है, तो अगर इंटरनेट नहीं होता, ये चीजें नहीं होती, तो हम कभी जान ही नहीं पाते। तो इन 10 सालों में बस ये हो गया है कि वो जो नॉलेज थी, वो जो आज तक मेनस्ट्रीम मीडिया ने बाहर नहीं आने दी थी, वो थोड़ी थोड़ी बाहर आ रही है। अभी भी पूरी इसलिए बाहर नहीं आ पा रही है कि फिर मॉब आ जाएगा आपके घर के सामने। नहीं, ऐसा नहीं है कि सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, ऐसा बहुत कुछ अभी है जो बताया जाना है, जिसके बताए बिना आप मतलब बचने वाले हैं नहीं। बट आप जैसे ही बोलेंगे तो आपके लिए सर तन से जुदा के नारे आ जाएंगे, आपके घर के बाहर मॉब आ जाएगा। और हिंदुओं के पास पिछले 10 साल में एक जो कमी हुई है वो मॉब की हुई है। मतलब 10 साल पहले मुझे लगता है हिंदू ग्राउंड पे ज्यादा मजबूत थे, अभी वो ग्राउंड छूट गया है। तो ये चीजें दिखी हैं जो मुझे। और राम मंदिर की पूरी बहस 90 के दशक में सीताराम गोयल जी ने, राम स्वरूप जी ने और अरुण शौरी जी ने जो तर्क वितर्क किए, वहाँ वो डिबेट समाप्त हो गई। तो उसके बाद में तो ये कानूनी पेच ही रहा था। लेकिन ये जो मंदिर रिक्लेम की ये जो गुजारिश करते हैं हिंदू, मांग ही रहे हैं, दावा तो किया ही नहीं है अभी तक, ये कहाँ जाके रुकेगी? अगर पूरे देश में अगर ये लहर चली तो इसको इस तरह से भी कहा जा सकता है कि गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, इसका अंत कहाँ है? हाँ तो सही है भाई, देखो एक तो जमीन की भी कमी है, तो मुर्दे उखड़ेंगे तो वो जमीन भी किसी पर्पस में यूज होगी। और ये केवल भारत तक ही सीमित रहेगा नहीं, ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहां पे मंदिर थे या मंदिर, अब जैसे मंदिर जब मैं बोल रहा हूँ तो केवल हिंदुओं के ही नहीं, बहुत सारे जो ट्राइबल्स लोग थे कहीं के, या जो वहां की जनजातियां थी उनके अपने देवी देवता थे। जैसे एक अल मन्नत, अल उज्जत, ये देवियां थी, ये सऊदी अरेबिया में लोग इनको पूजते थे। इनके जो मंदिर थे, वो जो देवघर थे, उनका क्या हुआ? आज कहाँ गए? तो यहाँ जैसे क्या होता है ना, न्याय जैसे क्या है कि न्याय कभी हुआ ही नहीं, न्याय के बारे में कोई बात करता नहीं है भाई। वो अच्छा, जैसे अभी लोग कह रहे हैं कि आप ये कहां तक रिक्लेम करेंगे, भाई राम मंदिर जिस किताब के कारण टूटा वो किताब तो आज भी है, मार्तंड मंदिर जिस किताब के कारण टूटा वो किताब तो आज भी है। तो जब वो किताब है तो अभी जो राम मंदिर बन रहा है इसकी मतलब कोई गारंटी नहीं है कि वो नहीं टूटेगा। अगर हिंदू इस भ्रम में रहे कि राम जी का मंदिर बन गया अब तो सब बढ़िया हो गया, और ये भी विभाजन हो गया तो विभाजन अंतिम हो गया। हाँ, ये भ्रम है। मतलब आप सोचें 70 साल पहले देश का एक विभाजन हुआ, आज हम दूसरे विभाजन पे बैठे हैं। अगर आप देखें तो 1921 में खिलाफत आंदोलन हुआ या 2021 में जामिया की दीवार पे खिलाफत 2.1 लिखा गया, और आप देखें तो देश की राजनीति भी उसी दिशा में जा रही है। जो कांग्रेस है वो आज मुस्लिम लीग वाली और लेफ्ट वाली पोजीशन में आ गई है, भाजपा धीरे धीरे सेंट्रल होते हुए कांग्रेस टाइप होती जा रही है। ऐसा ही 1947 में भी हो रहा था भाई। तो ये चीजें हो रही है, तो ये तो रुकेगा नहीं, और ये केवल भारत तक सीमित नहीं रहेगा। जैसे न्याय होगा ना तो वो पूरा होगा, जहां जहां हुआ है उसको उसके मूल स्वरूप में वापिस लिया जाएगा। और ये बस मैंने कहा ना कि हम जिस दिन गांव तक पहुंच गए उस दिन फिर किसी पे रुकेगा भी नहीं, बस वही है कि गांव तक ये सच पहुंचाया जाए। ये नालंदा विश्वविद्यालय को लेकर बहस थी, उसमें आपका भी हस्तक्षेप था। आपको लगता है कि वास्तव में इतिहासकारों ने इतिहास के साथ बुनियादी छेड़छाड़ की है और पूरा भ्रष्ट कर दिया है उसको? छेड़छाड़ तो फिर भी एक बार को छोटा शब्द है, बलात्कार किया है। मतलब आप सोचें कि वो जो यही वाली जो डिबेट है, क्या नाम, नालंदा वाली, डीएन झा हिंदू कॉलेज में पढ़ाता था या डीयू के, उसने किताब लिखी था मिथोफोली का, तो उसका पर्पस ये था कि गऊ मांस को जस्टिफाई कर दो खाना।
जबकि अगर आप किसी संस्कृत के उससे मिलेंगे तो वो गौ का एक अर्थ जो होता है वो गो का इंद्रिय होता है, बट अर्थ का अनर्थ कर देते हैं इनको, संस्कृत फंस्कृत आती नहीं है। अब सोचे इतिहासकार है, बहुत साइंटिफिक टेम्पर वाला है, क्योंकि वामपंथी है तो हमारी तरह अंधविश्वासी भी नहीं होगा, ये क्या कह रहा है कि भाई दो ऐसे नॉन बुद्धिस्ट, तो मतलब वो कहना यही चाह रहा था ब्राह्मण है बट डायरेक्ट नहीं कह पाया, उनके ऊपर किसी ने पानी का धोवन डाल दिया जो बर्तन धोने वाला पानी होता है, वो गुस्सा हो गए, वो तपस्या करने बैठ गए, 12 साल उनने तपस्या करी, एक जना उसकी रखवाली में खड़ा है, फिर उनके पास शक्ति आ गई, फिर उन्होंने ऐसे फेंक फेंक के आग लगा दी बिल्डिंगों पे, वो भी 9वीं या 7वीं मंजिल पे जाके नहीं, और इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स तो सारा जल गया, तो जो लाइब्रेरी थी वो 9 मंजिला 3 उसमें ब्लॉक थे, तो 9वें मंजिल पे जन 8वें मंजिल पे 2 किताबें रखी थी, तो जब आग वहां तक पहुंची तो उन किताबों में से पानी निकलने लगा और फिर वो आग जो है शांत हुई। अब सोचें ये इनका साइंस है, ये जो साइंटिस्ट बनते हैं साइंटिफिक टेम्पर वाले, मैंने बताया तो जैसे हुआ क्या कि इनकी बपौती थी, सैयद नूरुल हसन जब शिक्षा मंत्री बना 1971 में, उसके बाद ही उसने ICHR बनाया, उसके बाद आप देख लें तो 5 बार जन 4 बार रोमिला थापर, इरफान हबीब, ये सारे इसमें ICHR के प्रेसिडेंट या चेयरमैन जो होते हैं रह चुके हैं, और फिर तो ये था कि जो इन्होंने कह दिया वो खुदा ने कह दिया वही मानना है, दूसरा कोई पक्ष, जैसे पॉडकास्ट थोड़ी नहीं है कि अपना पक्ष भी दे रहे हैं, वहां तो ये था कि जो मैं कह रहा हूं वो डिक्टेट कर रहा हूं उसे मानो, और ऑप्शन आपके पास कोई दूसरा था नहीं भाई, एक सामान्य व्यक्ति अब कहां जाके वो किताब ढूंढेगा या वो सोर्स ढूंढेगा जिसको DN झा ने यूज किया है, मतलब एक्सेसिबल तो आज भी नहीं है चीजें उतनी इजीली, वो तो इंटरनेट आ गया तो आप क्लिक क्लिक करो, खोजो खाजो तो कहीं आर्काइव में पहुंच के निकाल लोगे, तो ये था। और फिर भारत के लोगों को एक ऐसा कर दिया था ना कि ये इंटेलेक्चुअल है तो ये बहुत कुछ जानता है, तो इससे तो सवाल पूछने का तुम्हारी औकात ही नहीं है, तो वो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में हमारे जो पुरखे हैं वो रह गए गाँव में खेती करते फावड़ा चलाते हुए, तो वो हो गया। इसके अलावा कौन सी ऐसी विषय है जिनमें छेड़छाड़ हुई है? चलो ये तो नालंदा एक, जैसे आर्यों ने भारत पे हमला किया, अब ये RS शर्मा अपनी किताब में लिखता है कि, या जैसे जो भी आप आर्यन इन्वेजन का पढ़ेंगे तो रोमिला थापर हो ये कोई सा भी हो, इनका ये कहना है कि भाई 1500 ईसा पूर्व आर्य भारत में आए और उन्होंने यहाँ के जो मूल निवासी थे उनको मार के खदेड़ दिया दक्षिण में, फिर उन्होंने वेद रचे और ऐसे शुरू होता है, मतलब हिस्ट्री की बुक शुरू होती हैं, तो पैलियोलिथिक मेसोलिथिक के जो पाषाण युग ये सब हटाने के बाद मनुष्यों की जब बात करनी शुरू करते हैं ऐसे में, सरस्वती हमने सुना है भाई प्रयागराज में संगम होता है गंगा जमुना सरस्वती का, तो सरस्वती तो हमने देखी नहीं है नदी, मतलब अभी तक तो नहीं दिख रही थी मतलब ऐसे, तो वामपंथियों ने कहा कि ये तो मिथिकल रिवर है, मतलब माइथोलॉजी है, ठीक है जी। अब आर्य आए 1500 ईसा पूर्व, सरस्वती नदी जो थी अभी जो रिसर्च आई है लेटेस्ट उसमें ये कहना है कि 3500 ईसा पूर्व वो सूखने लगी थी और लगभग 1800 ईसा पूर्व आते आते पूर्णतः सूख चुकी थी, मतलब पानी का एक ड्रॉप भी नहीं था। तो सरस्वती नदी के सूखने के 300 साल बाद आर्यन आए, इन वामपंथियों के हिसाब से ही उन्होंने जिन वेदों की रचना की उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नदी उन्होंने सरस्वती को बताया। तो भाई उस जमाने में आर्यों को पता कैसे लगा कि 300 साल पहले यहां एक नदी थी, मतलब कहां देखा उन्होंने, रील देखी इंस्टाग्राम पे, कैसे लिख दिया। अच्छा दूसरा, आर्य बाहर से आए, तो बाहर से कहां से आए, जैसे आप राजस्थान से आए तो आपको मैं कहूं कि आपको किताब लिखनी है तो आप अपने वहां की जलवायु, राजस्थान के खान पान, मतलब कुछ तो लिखेंगे ना राजस्थान से रिलेटेड जो पता लगेगा कि आप राजस्थान से हैं। आर्यों ने ऐसा कुछ लिखा ही नहीं, तो एक तो ये इन्वेजन थ्योरी। अब इसका नुकसान क्या होता है कि जैसे मैंने आपको जो बताया जो जातियों वाले में भी है कि तुम्हारा शोषण हुआ, मतलब पिछले 150 साल से इनका चल रहा है, 200 साल से आर्यन इन्वेजन थ्योरी, रॉबर्ट क्लेडवेल करके था 1840-40 का ही मेरे ख्याल से, 30-20 का है वो, ये थ्योरी उधर जन्म ले रही थी। 1861 वाला जो वो हर्बर्ट रिसेले का सर्वे है जिसमें नाक के हिसाब से वो जातियां तय कर रहा है, फिर ये फॉल्ट लाइंस बढ़ी। तो अब आप सोचो कि अगर आपको पैदा होते ही मैं पढ़ाऊं कि भाई तुम्हारे पुरखों को मेरे पुरखों ने मार के भगा दिया था, फिर वही चीज आपका बेटा पढ़े, फिर वही उसका बेटा पढ़े, तो जब 5-7 जनरेशन ऐसे पढ़ लेंगी तो एक इनबिल्ट नफरत हो जाएगी ना, जो आज हम देश में नॉर्थ वर्सेस साउथ या साउथ वर्सेस नॉर्थ की डिवाइड देखते हैं, या हिंदी इम्पोजिशन हो रहा है करके जो एक डिबेट देखते हैं, वो सब क्या है।
वो इसी आर्यन इन्वेजन थ्योरी की जड़ है। और इसका नुकसान क्या होता है कि रवांडा एक देश है, वहाँ हुतू तुत्सी त्वा तीन जातियाँ थी, मतलब ऐसे ट्राइब्स कह सकते हैं। तो वामपंथियों ने जब और चर्च वालों ने जब वहीं इतिहास लिखना शुरू किया तो वहाँ भी सेम इसी पैटर्न पर लिखा कि ये बाहर से आया, आक्रमण किया, ये किया। और उसका नतीजा ये हुआ कि लेट 90s में वहाँ रवांडा में जेनोसाइड हुआ। आप देखें लाखों की संख्या में लोग मार दिए गए केवल ये झूठ किताबों में पढ़ाए जाने के कारण। तो जो रवांडा में हुआ वो भारत में भी हो, इसके लिए तो अभी जो राहुल गांधी है वो फुल फ्लेजेड मतलब आ चुका है, जैसे जातियों वाला कर रहा है, फिर जैसे कह रहे हैं कि साउथ के राज्य ज्यादा टैक्स देते हैं नॉर्थ वाले ने, तो जो ये जितनी भी डिबेट है नॉर्थ वर्सेस साउथ की, इसकी जड़ में वो आर्यन इन्वेजन थ्योरी वाला झूठ है। और आप सोचें कि रोमिला थापर जो बहुत बड़ी मतलब जिसने प्रमोट किया इस थ्योरी को, उसने अभी कुछ समय पहले बोला कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि आर्यंस ने इन्वेड किया या माइग्रेट किया। मतलब इतने तथ्य आ गए हैं कि अब वामपंथी जिन्होंने बोला इन्वेजन वो भी कह रहे हैं माइग्रेशन हुआ था, चलो हम मान लेते हैं, बट अभी भी ये झूठ पढ़ाया जा रहा है। अभी वो ए राजा है जो टूजी स्कैम में जिसका नाम आया था, उसने संसद में आर्यन इन्वेजन थ्योरी पे बोला है, तो ये झूठ ऐसे पढ़ाया जा रहा है। फिर क्या नाम, मुगलों का मुसलमानों का राज बहुत अच्छा था, ये बताते हैं भाई, एक जजिया वसूलते थे, जजिया वसूलने के लिए बयाना का काजी था, उससे अलाउद्दीन खिलजी ने पूछा कि काफिरों को कैसे रखना चाहिए एक मुस्लिम इस्लामिक उसमें, तो उसने बोला कि जजिया लेना चाहिए कम से कम, और जजिया लेना कैसे है, तो मानो मुझे आपसे जजिया लेना है तो मैं आपकी कॉलर पकड़ के झकझोरूंगा और आप घुटने के बल बैठे रहेंगे, आंख ऊपर नहीं करेंगे, और मैं ऐसे कर दूं तो आप अपना मुंह खोल लेंगे कि मैं अपनी खरास आपके मुंह में थूक सकूं। ऐसे जजिया इस देश में लिया गया है, हमारे पुरखों ने भी भरा होगा, ये कहीं किताब में पढ़ाया गया। तो मतलब एक चीज हो तो बताऊं मैं, ऐसी सैकड़ों चीजें हैं जो झूठ हमारी किताबों में भरा पड़ा है। आखिरी सवाल मेरा कि सरकार, और जिसको एक हिंदुत्व वाली सरकार कह सकते हैं, इससे मजबूत सरकार आ नहीं सकती है तीसरी बार, आपको क्या लगता है एक हिंदू नागरिक होने के नाते कि सरकार सांस्थानिक स्तर पर क्या कर सकती है इन तमाम झंझावतों से पार पाने के लिए? वो जैसे सरकार में आना, सरकार चलाना, और मतलब ये जो चीज़ें हमने जो बात करी सभ्यता वाली, ये इसमें सरकार एड कर सकती है, हेल्प कर सकती है, क्योंकि भाई सरकार में जो मंत्री हैं वो भी तो यही किताबें पढ़ के गए हैं, उन्होंने भी भाषणों में ही सुना है कि मैं काले ने ये किया, उन्होंने कभी बैठ के मतलब वास्तविकता में, जैसे क्या होता है कुछ काम एकेडमिशियंस के होते हैं, अभी इस देश का दुर्भाग्य ये है कि यहाँ जो नेता है वो एकेडमिशियन बनना चाहता है और जो एकेडमिशियन है वो नेता बनना चाहता है। आप देखें नेताओं के अखबारों में आर्टिकल छप रहे हैं, सारे फर्जी लिखवा रहे हैं, किसी ना किसी घोस्ट राइटिंग हो रही है, पर उनको इंटेलेक्चुअल दिखना है। जो एकेडमिशियन है, जो विद्वान है, जो कॉलेजों में है, आप उन्हें सारों के मन में क्या है कि मुझे कहीं से विधानसभा का टिकट मिल जाए, कहीं से लोकसभा का मिल जाए, कहीं से कुछ बन जाऊं, ये भी दुर्भाग्य। अब इस समय जो सही में स्कॉलर्स हैं वास्तविक वाले, जैसे एक संदीप बाल कृष्णा है, द धर्मा डिस्पैच चलाते हैं, मतलब जेम कहते हैं ना जैसे मोती या हीरा, वो व्यक्ति वो है, मतलब इतिहास पे जिस हिसाब की उसकी पकड़ है, जो पढ़ते हैं वो, आपको ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो विद्वान हैं, जैसे नीरज अत्री हैं, उन्होंने एनसीईआरटी की बुक्स में जो डिस्टॉर्शन है उस पर पूरी किताब लिखी है, ब्रेन वॉश्ड रिपब्लिक, ऐसे बहुत सारे हैं आपको, पर ये लोग सरकारी जॉब में कहीं नहीं है, इस सिस्टम में नहीं है, प्रोफेसर की इन पे वो नहीं है नौकरी, आपको ऐसे लोग ढूंढ के पहले किताबों को ठीक करवाना पड़ेगा जो अभी तक 10 सालों में नहीं हो पाया है, ठीक। और फिर जैसे हमने बहुत सारी बातें जो डिस्कस करी और भी इसके अलावा वाली भी, तो संदीप भैया ये कहते हैं, संदीप बालकृष्णा जी, कि कुछ प्रश्न सभ्यताओं को खुद ही हल करने होते हैं। सरकार एट मैक्स बस ये हो सकती है कि आपकी एंटी ना हो, क्योंकि भाई समुन्दर में से आप कहीं से भी जाके पानी निकालो तो खारा ही तो निकलेगा। तो ये जो पूरा ढांचा है, मतलब पूरा जितना भी आप देख सकें, ये स्टेट, ये संविधान, ये एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, इन सब की रूट्स में एक इनबिल्ड एंटी हिंदूनेस है, एक एंटी हिंदू बायस है। तो वो मोदी सरकार भी आएगी तो वो स्ट्रक्चर तो वही है ना, उसके लिए या तो आप पूरा कुछ एक मतलब होता है ना कि कीमोथेरेपी टाइप की करें, अब वो कैसे करने देंगे जब वो आप मतलब करने की सोचो भी तो ऐसा नैरेटिव बना देते हैं कि फिर आपको बैकफुट पे आना पड़ता है, 240 सीटों पे आगे सिमट जाते हैं।
तो ये तो सभ्यताओं को ही करना होगा, और मुझे गांव से बहुत ज्यादा उम्मीद है क्योंकि मैं भी गांव का ही हूँ, एक दिन गांव चला ही जाऊंगा अपने। हिंदुओं को सच जानना चाहिए, और जो हमारे जो भी जैसे इसका अगर सॉल्यूशन कोई पूछे तो मतलब वो तो मिलकर ही बताऊंगा जब जिससे मिलूंगा। कम से कम अभी इतना ये हो कि जो हमारे ट्रेडिशनल पुरानी चीजें थी, जैसे गांव की पंचायत है, अपनी जातियों के ही जो संगठन थे, खाप थी, इनको रिवाइव करें और गांव मजबूत रहें। आज सबसे बड़ा एक चुनौती ये भी है कि गांव सारे खत्म हो गए हैं, या गांव कहें बुजुर्ग हो रहे हैं। मुझे मैं जाता हूं जैसे सेशन के लिए भी हिंदू कैफे के, तो गांव में मतलब जवान लड़के नहीं दिखते यार। तो ये सब चीजें हैं, तो सरकार सब कुछ नहीं करेगी, लोगों को खुद ही करना होगा। उसके लिए लोग अपना मानस बनाए, क्योंकि आप 10 साल हो चुके हैं अब, आप हर सवाल पे ये नहीं कह सकते कि सरकार किसी की भी हो, सिस्टम तो उनका है। तो सरकार अपना सिस्टम बनाने का प्रयास करे, बट लोग जो हैं उनको खुद पहल करनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त हमारे साथ बिताया, इतनी अच्छी बातचीत थी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जय श्री राम। जय श्री राम।